गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन वेन डायग्राम करते हैं, ठीक है। देखो, वेन डायग्राम में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है। अपना मॉड्यूल का ये 251 पेज पे दे रखा है वेन डायग्राम टॉपिक। अभी ख़त्म कर लेंगे अपन इसको। इसका कॉन्सेप्ट समझो, देखो मेरी बात। वेन डायग्राम में होता क्या है, सबको पता है। ऐसे करके गोले दिए होते हैं बहुत सारे कि भाई कौन किसका पार्ट है, ये सारी चीज़ें दी होती है। अब देखो मेरी बात समझो, इसमें देखो तीन चार पैटर्न होते हैं। तीन चार पैटर्न कैसे? नंबर 1 पैटर्न, ये क्या बोलता है? ये पैटर्न कुछ ऐसा होता है। कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन तो अपने आप अटेम्प्ट कर ही लोगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है। ये पैटर्न ऐसा होता है। अब ये किसको डिनोट करता है? ये देखो, इस चीज़ को डिनोट करता है कि ये बाहर वाला वर्ल्ड है। मान लो बाहर वाला वर्ल्ड है, अंदर वाला इंडिया है, और इसके अंदर वाला क्या है? इसके अंदर वाला मध्य प्रदेश मान लो। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया है और इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश है। तो इट मीन्स दैट वर्ल्ड इंक्लूड्स इंडिया एंड इंडिया इंक्लूड्स मध्य प्रदेश। तो ये पैटर्न कब फॉलो होगा? ये पैटर्न जब फॉलो होगा, जब व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज अ मेंबर ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, व्हेन मध्य प्रदेश इज अ मेंबर ऑफ इंडिया, वेन इंडिया इज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड, सो दिस पैटर्न विल बी फॉलोड। इसका एक और एग्जाम्पल दू, इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। लो देखो, ये क्या है? ये है स्टेट, ये है स्टेट, ये है। अब देखो मेरी बात सुनना, इसका अंदर कैसे होगा? स्टेट के अंदर क्या होता है? स्टेट के अंदर अपनी विलेज भी होती है और डिस्ट्रिक्ट भी होती है। विलेज होता है और डिस्ट्रिक्ट होती है। स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आएगी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज आएगा। तो ऐसे करके ये वाला पैटर्न अपन ने सीख लिया। तो जब भी कोई चीज़ कंटेन करेगी तो अपन उसको ऐसे डिनोट करेंगे। इंडिया, इंडिया के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर जयपुर, इंडिया, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई। तो ये सारी चीज़ें, व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज कंटेन्ड इन अनदर ऑब्जेक्ट देन इट विल बी डिनोटेड बाय दिस। अभी अपन इसके एग्जाम्पल भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा पैटर्न, तीनों अलग है। तीनों अलग कैसे हैं? काव अलग है, डॉग अलग है, और अपनी क्या बोलते हैं, पिग अलग है। तो तीनों चीज़ें अलग हैं। तो ये तीनों इंक्लूड नहीं होते एक दूसरे में। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ऑल डॉग्स इंक्लूड्स काओ। ऐसा हो सकता है कि, खुद एक बार सोच ना, ऑल डॉग्स इज इंक्लूड्स काओ, सारे डॉगी काऊ होते हैं? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो व्हेन ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट टू ईच अदर एंड दे कैन नॉट बी कंबाइंड इन अ पर्टिकुलर वे, इट इज सेड एज इट वी विल इम्प्लाई दैट दिस इज दिस पैटर्न, ठीक है। ये वाला पैटर्न हो गया। अब देखो मेरी बात, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है कि ये वाला देखो, पैटर्न देखो पहले। ये पैटर्न समझ में आ गया, ये पैटर्न समझ में आ गया। ये पैटर्न क्या बोलता है? ये पैटर्न ये बोलता है। अब ये पैटर्न ये कैसे बोलता है? तो देखो, अब एग्जाम्पल सोचते हैं अपन। चलो सोच लिया, वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर कौन आता है? वेजिटेबल्स के अंदर अपनी वेजिटेबल बताओ, कोई वेजिटेबल, वेजिटेबल कोई वेज, कोई भी वेजिटेबल, कोई सी भी वेजिटेबल मान लेते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल के अंदर जैसे अपन ने मान लिया, अपन ने वेजिटेबल कौन सी होती है? टमाटो, टमाटो मान लिया, चलो ठीक है। वेजिटेबल के अंदर टमाटो आता है और एप्पल अलग से है। एप्पल वेजिटेबल का पार्ट है, एप्पल टमाटो का पार्ट है, नहीं है ना? तो ये पैटर्न क्या बोलता है कि टमाटो इज इंक्लूडेड इन वेजिटेबल वाइल एप्पल इज अ सेपरेट थिंग। एप्पल मे बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स, इट मे बी लाइक दैट, ठीक है, समझ गए। अब देखो दोबारा करते हैं। इन तीनों का आपस में रिलेशन है इसलिए इन तीनों को गोले में डाल दिया। इन तीनों का रिलेशन है इसलिए गोले में डाल दिया। इन तीनों का कोई रिलेशन नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट है। रिलेशन इन दोनों का था और इनका एप्पल से कोई रिलेशन नहीं था तो एप्पल को हमने अलग गोले में डाल दिया। पर एप्पल का फ्रूट से भी हो सकता है तो हमने इसको ऐसे कर लिया। मेन कॉन्सेप्ट इसमें ये है। और एक और पैटर्न है, उसको भी देख लो। एक और पैटर्न क्या बोलता है? ये वाला पैटर्न बोलता है, इसका मतलब क्या है? तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है।
तीनों का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इसको अपन है ना एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, तब अपन को ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। या अपन ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ये टीचर है, ये टीचर है, ये डॉक्टर है, ये टीचर है, डॉक्टर है, और ये इंजीनियर तो कैसे होगा। ये टीचर है, डॉक्टर है, और मान लो कुछ अपना रिसर्च रिसर्चर नहीं, टीचर, डॉक्टर, और एक मिनट रुको, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया। तो देखो सुनो, रिसर्चर मान लो, रिसर्च जो लोग रिसर्च करते हैं ना वो मान लो, ऐसे करके तीन अलग अलग ऑक्यूपेशन है। अब देखना इसको भी अपन एग्जांपल से समझेंगे, अभी ढंग से समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं, वेन डायग्राम बहुत इजी चैप्टर है। ये जो रिसर्चर है, ये ऐसा हो सकता है कुछ रिसर्चर हमारे टीचर भी हो, क्योंकि तभी तो ये टीचर से ओवरलैप कर रहा है, टीचर और रिसर्चर ओवरलैप क्यों कर रहा है। हो सकता है कुछ रिसर्चर हमारे टीचर भी हो, बच्चों को पढ़ाते भी हो रिसर्च के बारे में, तो ये ओवरलैप कर रहा है। हो सकता है कुछ रिसर्चर हमारे डॉक्टर भी हो, देखना अभी देखना, हो सकता है कुछ रिसर्चर हमारे डॉक्टर भी हो सकता है कुछ रिसर्चर हमारे टीचर भी हो, डॉक्टर भी हो, और रिसर्चर तो है ही, समझ रहे हो। इन तीनों का आपस में कोई बहुत रिलेशन है, तब जाके ये वाला पैटर्न फॉलो होता है। अब अपन इसको एग्जांपल से समझेंगे, भागना मत, समझ में आ जाएगा। ये तीन कब हो गया जब तीनों का रिलेशन है, ये कब हो गया जब तीनों इंडिपेंडेंट है, और ये कब हो गया जब दो का रिलेशन है और एक इंडिपेंडेंट है, और ये कब हो गया जब तीनों ही एक दूसरे का रिलेशन है कुछ ना कुछ। अब देखो सबसे पहले अपन मॉड्यूल देख लेते हैं जिससे कि कॉन्फिडेंस आए, फिर मैं आपको 10 क्वेश्चन है ना वैसे भी कराऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो आंसर मत देखना, देखो 2 मिनट को टाइम लगता है, ये वाला मैंने आपको बताया। अब देखो ये इफ देखो क्या लिखा है, इफ ऑल द वर्ड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप व्हाट विल बी शोन एज डॉग काउ हॉर्स को कैसे डिनोट करोगे। डॉग काउ और हॉर्स को अपन अलग अलग डिनोट कर सकते हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो अलग डिनोट कर दिया। अब देखो ये वही बात आ गई, ये वाला एग्जाम्पल अपन ने डिस्कस कर लिया कि 100 टेंस और यूनिट्स को कैसे डिस्कस करोगे। 100 के अंदर 10 आता है और 10 के अंदर अपना यूनिट प्लेस आता है, अपन ने बचपन में पढ़ा है ना 100 प्लेस, 10 प्लेस और यूनिट प्लेस। तो इंडिया के अंदर राजस्थान आता है, राजस्थान के अंदर जयपुर आता है, तो ये सारी चीजें अपनी होती है, ठीक है। अब चलो आगे चलो, अपन थोड़े क्वेश्चन करेंगे एक बार, जिससे कि फिर ये चलो एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरी बात सुनो, इसको रुको, हाँ क्या क्वेश्चन है, अपन बनाएंगे फिर अपन मैच करेंगे। पेन पेंसिल स्टेशनरी, पेन पेंसिल और स्टेशनरी, अब सब बताओ मेरे को कि पेन पेंसिल और स्टेशनरी का क्या रिलेशन है। देखो अपन का तो एमसीक्यू बेस्ड आएगा तो अपन को तो उससे डिकोड करना है, पर अपन अभी थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं। देखो भाई पेन अलग चीज होती है, पेंसिल अलग चीज होती है, इन दोनों का तो कोई रिलेशन हो नहीं सकता। और स्टेशनरी का मतलब तो वो होता है जिसमें बुक्स आती है, पेन आती है, पेंसिल आती है, सब कुछ आता है। स्टेशनरी इंक्लूड्स पेन ऑल्सो, स्टेशनरी इंक्लूड्स पेंसिल ऑल्सो, सो वॉट विल बी द आंसर, दिस दिस इज द स्टेशनरी। ये तो अपनी स्टेशनरी हो गई बहुत ब्रॉडर पार्ट, और उसके अंदर हमने पेन लाई, उसके अंदर अपन पेंसिल लाए, उसके अंदर बुक ला सकते हैं, उसके अंदर हाइलाइटर ला सकते हैं, उसके अंदर अपन पेपर ला सकते हैं, उसके अंदर अपन हर चीज ला सकते हैं। तो स्टेशनरी इज अ ब्रॉडर टर्म एंड पेन एंड पेंसिल इज इट्स पार्ट। तो व्हाट विल बी द आंसर, स्टेशनरी इज अ ब्रॉडर टर्म एंड इन इट पेन एंड पेंसिल आर इंक्लूडेड, ठीक है। अब देखो ये क्या है, वुमेन सिस्टर मदर, वुमेन सिस्टर एंड मदर, देखो मेरी बात, सिस्टर और मदर रिलेशन है, एक 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 गर्ल सिस्टर भी हो सकती है किसी की और एक गर्ल मदर भी हो सकती है किसी की। रिलेशन कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, पर ये दोनों है तो वुमेन ही, तो ये भी यही हो गया। अभी मैं समझाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ, अब देखो मेरी बात, वुमेन इज अ ब्रॉडर टर्म, वुमेन इंक्लूड सिस्टर एंड मदर, बट सिस्टर कैन बी मदर, सम सिस्टर कैन बी मदर। ये जो सिस्टर है, ये जो सिस्टर है और ये जो मदर है,
ये सिस्टर सिस्टर भी हो सकती है, हो सकता है ये अभी तक मदर नहीं हो, पर ये सिस्टर मदर भी हो सकती है, तो ये डिनोट करता है दोनों को। ये कब आएगा? जब दोनों इंटरलिंक दो। तो अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, भागना मत, आगे क्वेश्चन करेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स, अपना तो यार एमसीक्यू बेस्ड आएगा, इसलिए अपन को तो सिर्फ डिकोड करना है। मैं तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये ऐसे इतना रिलेशन कैसे आएगा, सब आ जाएगा आगे। चलो देखो मेरी बात, अब देखो स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स में रिलेशन बनाना है, तो तुम बोलोगे स्टूडेंट तो बहुत बड़ी चीज है, अपन ने ऐसे बना दी, और बॉयज अलग है गर्ल्स अलग है, तो अपन ने ऐसे बना दिया। पर इसमें पता है क्या दिक्कत है? जरूरी नहीं है कि सारे बॉय बॉय बोले तो लड़के, सारे लड़के स्टूडेंट हो, ये जरूरी नहीं है। अभी तो आपने सारे लड़कों को स्टूडेंट बना दिया, सारे बॉयज को आपने स्टूडेंट बना दिया। कितने सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते टीचिंग, अफोर्ड नहीं कर सकते पढ़ना, अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन। तो ये तो होगा अपना स्टूडेंट, और ये होगा गर्ल्स, और ये होगा बॉयज। इस ये बॉयज हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बच्चे स्टूडेंट है, कुछ लड़के स्टूडेंट है, कुछ लड़कियां स्टूडेंट है, पर ऐसे भी है जो स्टूडेंट नहीं है। समझ में आ गया ना? नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपन आगे चले गए, अपन क्वेश्चन देखेगा ना तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलो अब पहले क्वेश्चन दिखाऊं मैं तुम्हें, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मतलब हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तुम बोलोगे सर ये क्या है, मतलब वेन डायग्राम तो सबसे ईजी टॉपिक हुआ। अब देखो अटेम्प्ट करना सीखो क्वेश्चन को, अभी तक अपन समझ रहे थे, पर हमें हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। लायन एलिफेंट एनिमल, इनका क्या रिलेशन है? देखो सर, अगर देखो सर, अब देखो इनमें से हमें मार्क करना है। एनिमल तो बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर आते हैं लॉयन और एलिफेंट। तो एनिमल, अगर आप ये सर्कल एनिमल हो गया, ये सर्कल एनिमल हो गया, तो उसके अंदर आएंगे अपने लायंस और उसके अंदर आएंगे एलिफेंट, और उनका कोई रिलेशन भी नहीं होगा। समझ गए ना? लॉयन और एलिफेंट का कोई रिलेशन अगर होता, अगर रिलेशन होता तो ये ओवरलैप कर जाता, पर रिलेशन नहीं है इसलिए इसको अलग अलग रखा है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ये। अब बताओ इसमें क्या दिमाग लगाया अपन ने? कुछ दिमाग नहीं लगाया, जो जो बोलते जा रहा वो करते जाओ। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसके, एक मिनट रुको। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है? पटाटो फूड और वेजिटेबल, पटाटो फूड और वेजिटेबल में कौन सा रिलेशन है? देखो क्या बोलेगा, पटाटो फूड एंड वेजिटेबल। अब मेरी बात सुनो यार, फूड के अंदर तो वेजिटेबल आती है और वेजिटेबल के अंदर पटाटो आता है। देखो वेजिटेबल है, वेजिटेबल का पटाटो पार्ट है, और फ्रूट सॉरी फूड, फूड के अंदर तो अपन वेजिटेबल भी खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज भी खाते हैं, तो ये तो लिंक तो ऐसा ही बन रहा है ना सर। देखो अब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ो इसका, ये बाहर वाली चीज तो अपनी फूड हो गई, फूड के अंदर वेजिटेबल भी आता है, नॉन वेज भी आता है, चिकन भी आता है, सारी चीजें आती हैं, और वेजिटेबल के अंदर अपना पटाटो आता है, तो रिलेशन क्या हुआ? ये वाला रिलेशन हुआ। समझ में आया ना? वेन डायग्राम में अपन को कुछ नहीं करना, आइडेंटिफाई करना है चीजों को। अब देखो टी कॉफी और बिवरेजेस में क्या हुआ? देखो टी अलग चीज है, कॉफी अलग चीज है, और बिवरेजेस अलग चीज है। इनका तीनों का लिंक अपन कैसे करें, इनका लिंक अपन कैसे करें? पर देखो मेरी बात, टी और बिवरेजेस अलग चीज है, ये तो अपन को पता है, पर बिवरेजेस, बिवरेजेस क्या होती है? ठंडा गरम क्या लोगे, वही तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी लिखा है। तो बिवरेजेस के अंदर टी आती है और कॉफी आती है। समझ में आ गया क्या भाई? टी और कॉफी का कोई रिलेशन नहीं है, पर बिवरेजेस इंक्लूड्स टी एंड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक एवरीथिंग, ठंडा लोगे, गर्म लोगे, चाय लोगे, क्या लोगे, जो लोगे ले लो। समझ रहे हो? वैसे करना है, आ जाएगा समझ में। मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी चिंता मत करो, एक बार मॉड्यूल करा दूं फिर आओगे। यार अपन को इसमें लिंक ढूंढना है, इसमें मैं इसमें और क्या समझाऊं? अब देखो मेरी बात, बॉयज एथलीट्स और स्टूडेंट्स, बॉयज एथलीट्स और स्टूडेंट। अब तुम बोलोगे सर स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स है, कुछ स्टूडेंट। अब देखो तीनों में बहुत रिलेशन है यार, इसको मैं कैसे बताऊं, तीनों में अपना बहुत रिलेशन आ रहा है। क्यों रिलेशन आ रहा है? क्योंकि देखो बॉयज आर कनेक्टेड विद एथलीट्स ऑल्सो, सम बॉयज कैन बी एथलीट टू,
एंड सम बॉयज कैन बी स्टूडेंट टू। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अगर तीनों में रिलेशन हो तो ये बना देना आंख बंद करके, अगर तीनों में रिलेशन हो तो ये बना देना आंख बंद करके। इसके रूल्स अपन बताते, देखो। नंबर वन रूल, इफ समथिंग कंटेन समथिंग लाइक इंडिया राजस्थान जयपुर, इंडिया महाराष्ट्र मुंबई, देन समथिंग विल बी दिस। ठीक है, पहले बात। दूसरा बात, इफ वॉज सम अ ब्रॉडर थिंग लाइक स्टेशनरी, स्टेशनरी इंक्लूड्स पेन एंड पेंसिल, देन दिस विल बी लाइक दिस। सम ब्रॉडर थिंग कंटेन्स टू डिफरेंट थिंग, वेन सम ब्रॉडर थिंग कंटेन्स टू ओवरलैपिंग थिंग्स लाइक मदर, लाइक वुमेन्स मदर सिस्टर, तो ये अपना हो गया। वेन ऑल द थ्री थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, वेन ऑल द थ्री थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, वेन टू थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, देन दिस विल बी लाइक दिस। दो थिंग कैसे रिलेटेड है, ये अपना बॉयज हो गया और ये सम बॉयज आर स्टूडेंट्स हो गया। सिलॉजिज्म में काफी मदद करेगा ये, ठीक है। सम बॉयज आर स्टूडेंट हो गया, तो ये अपने बेसिक आ गए पांच। इसके बेसिस पे अपन काफी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। एक और बार दोबारा बता दूं, वेन समथिंग इंक्लूड समथिंग एंड दैट थिंग ऑल्सो इंक्लूड्स इन समथिंग, देन द आंसर विल बी दिस। वेन सम अ ब्रॉडर थिंग इज कंटेन्स टू डिफरेंट थिंग, देन द आंसर विल बी दिस। वेन अ ब्रॉडर थिंग कंटेन्स टू ओवरलैपिंग थिंग्स और टू सम वॉट वी से समथिंग दैट दे बोथ आर कंटेन्ड इन अनदर, देन आंसर विल बी दिस। वेन ऑल द थ्री आर, यू नो, वेन ऑल द थ्री आर ओवरलैपिंग ईच अदर, वेन ऑल द थ्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन आंसर विल बी दिस। एंड वेन द टू थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, द आंसर विल बी दिस। तो इसमें देखो, बॉयज कुछ लड़के एथलीट्स भी हो सकते हैं, कुछ लड़के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, तो आंसर तीनों कनेक्टेड है, तो आंसर हो गया अपना ये। अब देखो, अब देखो, थीफ क्रिमिनल जजेस, थीफ थीफ क्रिमिनल। अब देखना, अब अपन लॉजिकली सॉल्व करते हैं इसको, लॉजिकली सॉल्व करोगे तो अपन को आ जाएगा। देखो, जजेस तो अलग चीज है, जजेस का तो काम ही इन दोनों से अलग है। ये दोनों का, अब देखो, जजेस तो अलग हो गया, मतलब ये जजेस है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इनसे। अब ये मत बोलना इसका न्याय दिलाने का रोल है, हमें ये सब ज्ञान नहीं बांटना, हमें कंटेन वाली बात करनी है। क्या ये इसके अंदर आता है, ऑल जजेज आर क्रिमिनल, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये अलग है। अब देखो, क्रिमिनल के अंदर तो थीफ आता है भाई, क्रिमिनल इज अ वेरी बिग टर्मिनोलॉजी। क्रिमिनल के अंदर मर्डरर भी आता है, क्रिमिनल के अंदर थीफ भी आता है, क्रिमिनल के अंदर सारे जितने आईपीसी के क्राइम्स है वो आते हैं। तो क्रिमिनल इज अ ब्रॉडर थिंग एंड इन दैट वी इंक्लूड्स थीफ, सो एंड जजेस इज सेपरेट, एंड जजेस इज सेपरेट, तो आंसर विल बी दिस। सो आंसर विल बी दिस। अब इनका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना, बहुत मजा आएगा, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थीफ, अब देखो इसने क्या करा, थीफ ये हमारे बाहर वाला, हमारा क्रिमिनल इज अ बॉर्डर थिंग, इन इट थीफ इज इंक्लूडेड एंड जजेस इज बीइंग सेपरेटेड। अपन ने ये कर लिया, अभी मैं आपको और 5-10 क्वेश्चन कराता हूँ और एक शीट दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस कर लेना, फिर क्या दिक्कत है इसमें। वेन डायग्राम तो लॉजिकल टॉपिक है, अपन देखते ही। अब देखो, अपन इसको आइडेंटिफाई करते हैं, डॉग फ्लैश ईटर्स काओ। देखो, काओ तो अलग चीज है, उसका ना तो कुत्ते से रिलेशन है ना उसका फ्लैश ईटर से रिलेशन है, क्योंकि काओ तो हर्बीवोरस एनिमल है, वो तो सिर्फ ग्रास खाता है, तो जो अलग है उसको अपन ने अलग ड्रॉ कर लिया। अभी एक बात बताओ, इन दोनों का क्या रिलेशन है, हो सकता है भाई इन दोनों का कुछ रिलेशन है, क्यों? ऑल, अब इसको ऐसे नहीं कर सकते, ऑल फ्लैश लीटर आर डॉग्स, वॉट इज दिस, और फ्लैश ईटर और डॉग ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ कुत्ते वो वेजो, कुछ कुत्ते अपने ये हर्बीवोरस टाइप हो सकते हैं भाई, कुछ डॉगी अपने एनिमल नहीं खाते हो, उस लिंक को शो करने के लिए अपन ने ऐसा करा है, ठीक है। तो अपना ये वाला हो गया, ये गलत है, क्यों? जरूरी नहीं है कि सारे डॉग्स फ्लैश ईटर हो, जरूरी नहीं है सारे डॉग्स किसी ना किसी जानवर को खाते हो, ठीक है। तो अपन ने ये कर लिया, तो देखो अपन ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अपन ने बेसिक मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए कि वेन डायग्राम में होता क्या है। एक और बार मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ रिवीजन करने के लिए, जिससे कि आप लोगों को ध्यान हो जाए। अपन 5-10 क्वेश्चन और कर लेते हैं कॉन्फिडेंस के लिए, क्या कर लेते हैं, 5-10 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के लिए और कर लेते हैं। देखो, ये है अपने, देखो ये वही, एक बार आप इनको पढ़ लो, जिससे कि है ना अपन को कॉन्फिडेंट रहे कि ये हो क्या रहा है। आंसर देखो सीधा,
अपना ड्रिंक्स है, ड्रिंक्स के अंदर टी आता है, कॉफी आता है, ये दोनों अलग अलग है, इसलिए अपन ने ऐसा करा है। जैसे स्टेशनरी के अंदर पेन आता है और पेंसिल आती है, तो ये अलग अलग है। देखो टाइप वन एक बार अपन इसमें से देखें, इसमें से देखते हैं। देखो ये वो विलेज स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाला हो गया टाइप वन, जिसके अंदर इंडिया, राजस्थान, जयपुर, इंडिया, महाराष्ट्र, मुंबई, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। ये वाला वो हो गया कि जो मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स थे, पेट होते हैं, कुछ डॉग होते हैं, कुछ कैट होते हैं, स्टूडेंट्स कुछ बॉयज होते हैं, कुछ गर्ल्स होते हैं, सारे कैट पैट नहीं होते, क्योंकि कुछ कैट्स है ना स्ट्रीट कैट्स भी होते हैं कि वही स्ट्रीट पे ऐसे ही घूमती रहती है, पेट तो वो होता है ना जो अपन घर पे पाल ले। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो एलिफेंट, मंकी और जैकल में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया। जैसे वेजिटेबल के अंदर हमारा कोई एक वेजिटेबल टमाटो ले लिया और फ्रूट हमारा एप्पल अलग हो गया, वैसे ही फ्रूट के अंदर ग्रेप्स ले लिया और हमारा वेजिटेबल अलग हो गया, तो ये अपन ने कर लिया, ठीक है। ये डॉक्टर, टीचर, फिलोसफर अपन ने कर लिया कि भाई तीनों के अंदर रिलेशन है, तीनों किसी ना किसी चीज से लिंक्ड है, ठीक है, ये अपन ने कर लिया। गोल्ड, अब देखो ये दो और टाइप अपन ने कर लिए। एक टाइप के अंदर तो गोल्ड के, जैसे स्टेशनरी के अंदर पेन पेंसिल अलग होता है, और एक टाइप में जो अपना वुमेन होता है, वुमेन सिस्टर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है। जो मैंने चार पांच टाइप के जिसके मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ ना, वो नोट्स में लिख लेना, उससे सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब देखो ये कर लिया, ये अपन ने, ये समझ में आ गया ना, इंडिया, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, सिटी कुछ भी ले लो, मंथ, डे, आर, मंथ, डे, आर, ऐसे करके एक क्वेश्चन है इसके अंदर। अब देखो मेरी बात, प्रैक्टिस के क्वेश्चन है ये, देख लेते हैं। अब देखो सिर्फ अपन ये वाला कर रहे हैं, और बाकी अगर बोलोगे, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखना मेरी बात। चेयर, टेबल, फर्नीचर में इन चारों में से क्या रिलेशन है? चेयर, टेबल, फर्नीचर का, देखो भाई मेरे को इतना पता है, चेयर अलग होती है, टेबल अलग होती है। चेयर होती है जिस पर अपन बैठते हैं, और टेबल होती है जिस पर अपन कॉपी रखते हैं, तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे कि पेन और पेंसिल का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, पर फर्नीचर के अंदर ये दोनों आते हैं, फर्नीचर के अंदर ये दोनों आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या होगा इसका, ये कि फर्नीचर इज अ ब्रॉडर टर्म इन विच चेयर एंड टेबल आर इंक्लूडेड विद एज अ सेपरेट एंटिटी, एज अ सेपरेट थिंग बोथ आर इंक्लूडेड, तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। टीचर, फिलोसफर, राइटर, टीचर, फिलोसफर, राइटर, देखो तीनों का बहुत रिलेशन है, कुछ टीचर फिलोसफर भी हो सकती है, कुछ टीचर राइटर भी हो सकती है, कुछ फिलोसफर अपनी टीचर भी हो सकती है, कुछ फिलोसफर अपनी राइटर भी हो सकती है, और कुछ राइटर अपनी टीचर भी हो सकती है, कुछ राइटर अपनी फिलोसफर भी हो सकती है, तीनों में काफी लिंक है। अगर तीनों का एक दूसरे से, एक तीसरे से लिंक है, तो आंसर हो गया अपना डी, मदर, फादर, फैमिली। देखो मदर अलग चीज होती है, मदर हमारी फीमेल होती है, फादर हमारे मेल होते हैं, दोनों मेल फीमेल होते हैं, तो अलग चीज है, पर फैमिली के अंदर मदर भी आते हैं, फादर भी आते हैं, तो दोनों अलग है और फैमिली के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, बी आंसर होगा, तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे चलो, वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, एक पैराग्राफ के अंदर सेंटेंस होता है और सेंटेंस के अंदर वर्ड आता है। एक पैराग्राफ बोले तो पैराग्राफ बड़ी चीज होती है, पैराग्राफ नहीं होता क्या ये, इतना चार लाइन का पैरा, उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंसेस के अंदर क्या होते हैं, वर्ड होते हैं, तो तीनों इंडिया भारत वाली उससे लिंक्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्रो, काऊ, स्नेक, इन तीनों में कुछ रिलेशन है क्या, तीनों ही अलग अलग है, क्रो और काऊ का क्या रिलेशन है, स्नेक और काऊ का क्या रिलेशन है, जो चीज, तीन चीज प्रेजेंट है ना, सिर्फ उनका रिलेशन देखना। अब ये दिमाग में मत करना कि मैं, ये तो हर्बीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, मैं अलग से अपना रिलेशन दिमाग में बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, जो चीज है सिर्फ उसका रिलेशन बनाओ, तो इसका रिलेशन क्या है, तीनों का कोई रिलेशन नहीं है, आंसर क्या हो गया, सी, सी बोले तो तीनों का कोई रिलेशन नहीं है। एक और देख लो, देखो लोटस, फ्लावर, रोज, फ्लावर के अंदर देखो लोटस, फ्लावर, रोज का क्या रिलेशन है, देखो मेरी बात, फ्लावर तो है बड़ी चीज और लोटस और रोज है अलग अलग चीज, तो देखो फ्लावर तो है बड़ी चीज और रोज और लोटस अलग अलग चीज है, रोज और लोटस का कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग फ्लावर है, आंसर क्या हो गया, सी। तो ऐसे ही अपन को करना है, ऐसे ही अपन को चीजों को समझ के करना है, कुछ भी नहीं है, मैं आपको ये सारी चीजें भेज दूंगा अगर आप मांगोगे तो, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है। हाँ तो वीडियो पॉज हो गई थी, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए होगी तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है,
15-20 है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा इन क्वेश्चन से, और आप कुछ क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना। देखो सारी चीज़ मैं बताऊंगा समझ नहीं आएगा। देखो अपन कर लेंगे अब यार ये क्वेश्चन, इसके अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, उसका ध्यान रखना। ये जो चीज़ है देखो कहाँ गई, इसका ध्यान रखना, बाकी सारे क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट कर लेंगे। बहुत ईजी है वेन डायग्राम। इंडिया, इंडिया स्टेट सिटी सबका तीनों एक दूसरे के अंदर आती है तो ये हो गया। स्टेशनरी पेन पेंसिल, स्टेशनरी के अंदर पेन पेंसिल आता है तो ये हो गया। वुमेन के अंदर मदर भी आती है और मदर सिस्टर भी हो सकती है तो ये हो गया। अपने टीचर डॉक्टर रिसर्चर तीनों एक दूसरे से लिंक्ड है तो ये हो गया। और स्टूडेंट और बॉयज़ के अंदर ये हो गया। ये पांच पैटर्न ध्यान रखना। अपन ने वेन डायग्राम कंप्लीट कर लिया। कुछ डाउट हो तो नीचे नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप कर देना, मैं बता दूंगा। हमारे ग्रुप में ऐड हो जाना, उसमें नोट्स आते रहते हैं। एंड सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना। प्लीज़ प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।